प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। चार प्रमुख मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पहले भी ये मंत्रालय इन्हीं मंत्रियों के पास थे। सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले की तरह ही नितिन गडकरी को दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के को हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़े मंत्रालय, बड़े उन मंत्रियों को जो पहले भी मोदी सरकार 2.0 में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हीं को दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबरीश पांडे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अनुवेश रथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से ही तरुण शर्मा, हमारे तीनों रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं अंबरीश आपके पास। अंबरीश, जैसा कि हमने बताया है कि तमाम बड़े मंत्रालय, जिस तरह से हमने देखा कि उन्हीं मंत्रियों को दिए गए हैं जिनके पास पहले भी मौजूद थे, इसके अलावा और कोई अपडेट आपके पास अभी तक? और मंत्रालय कहाँ, किन मंत्रियों को सौंपे गए हैं? लगातार कहा था कि मोदी सरकार 3.0 में वो सभी बड़े मंत्रालय उनके पास ही रहेंगे और ज्यादातर वो मंत्री रिटेन करेंगे जो जीत कर आए हैं, और लगभग वैसा ही हुआ है। पूरा पोर्टफोलियो सभी मंत्रियों का जारी किया जा चुका है। आधिकारिक तौर पर अगर हम कहना चाहें तो प्रधानमंत्री ने अपने पास पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन रखा हुआ है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिलेटेड, इसके साथ साथ जितने भी अन्य मंत्रालय जो किसी और मंत्री के पास नहीं है वो प्रधानमंत्री के पास स्वयं होंगे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के जो दोनों पोर्टफोलियो हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, नितिन गडकरी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिया गया है, जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री भी वही रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ये दिया गया है, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री थी पहले भी और अभी भी वो वित्त मंत्री रहेंगी, साथ साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी उनके पास ही रहेगा। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी भी थे, इसके पहले भी एस जयशंकर ही रहेंगे। ऊर्जा मंत्रालय, क्योंकि आर के सिंह हार गए थे, उनकी जगह पर ऊर्जा मंत्री होंगे मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व सीएम है हरियाणा के, जो हरियाणा से हिसार से जीत कर आए हैं। साथ साथ हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री होगी HD कुमारस्वामी के पास जो कि HD देवगौड़ा के बेटे हैं। साथ साथ पीयूष गोयल को अगर बात करें तो पीयूष गोयल के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पिछली बार उनके पास काफी सारे बड़े पोर्टफोलियो थे, उनका वजन थोड़ा हल्का किया गया है और उनके पास इंडस्ट्री और कॉमर्स जो है दोनों मंत्रालय उनके पास, दोनों विभाग उनके पास रहेंगे। एजुकेशन की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान होंगे एजुकेशन मंत्री, जीतन राम मांझी को MSME मंत्रालय दिया गया है। तो ये कुछ बड़े ऐलान है जो कि मंत्रालय में है। बाकी सभी जो पोर्टफोलियो सबका वितरण किया जा चुका है। अश्विनी वैष्णव के पास पिछले सरकार में रेल मंत्रालय था, IT और टेलीकॉम मंत्रालय था, इस सरकार में उनसे टेलीकॉम मंत्रालय उनके पास नहीं है, रेलवे का मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना और प्रसारण मंत्री भी वही रहेंगे जो कि पिछले सरकार में अनुराग ठाकुर के पास था, और साथ साथ MeitY के मंत्री रहेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अभी भी उनके पास बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पिछली सरकार में एविएशन और स्टील मंत्री थे, बाद में उनको जोड़ा गया था मंत्रिमंडल में कांग्रेस से जब इधर शिफ्ट हुए थे, अभी इस सरकार में उनके पास मोदी 3.0 में उनके पास रहेगा टेलीकॉम मंत्रालय, साथ साथ जो बिल्कुल अंबरीश लौटेंगे आपके पास। तरुण आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके पास तो वो मंत्रालय हैं ही जो शायद पहले भी थे, लेकिन जो NDA के घटक दल के बड़े नेता हैं उनको क्या कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा जिस तरीके से जी बिजनेस अब टिका रहा कि वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण ही बनेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई कि अमित शाह वित्त मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जी बिजनेस ही एक ऐसा चैनल था जिसने ये इस बात से नहीं डिगा कि वित्त मंत्री कोई और होगा। रही बात जो आपने कहा कि घटक दलों को क्या मिला, तो TDP को एविएशन मंत्रालय दिया गया है, इसके साथ साथ JDU को जो है वो पंचायती राज का मंत्रालय दिया गया है, जीतनराम मांझी को भी एक कैबिनेट दिया है, और जो चिराग पासवान है उनको उनके पिताजी के पास जो
फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री थी उसी मिनिस्ट्री को चिराग पासवान को दिया गया है। तो तीन बड़े घटक दलों को ये मिनिस्ट्री दी गई है कैबिनेट के तौर पे। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के गुट से भी एक मंत्री बनाया गया है उनका, और साथ ही अनुप्रिया पटेल को भी एमओएस रखा गया है हेल्थ के अंदर। इसके साथ साथ यदि हम बात करें एक एमओएस जो है वो एकनाथ शिंदे गुट से भी दिया गया है। तो इस तरीके से घटक दलों को भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, लेकिन बड़े मंत्रालय जितने हैं चाहे सीसीएस की बात करें, होम, फाइनेंस, एमईए, डिफेंस, ये चारों मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। रेलवे मंत्रालय भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। इसके साथ साथ यदि हम ये बात करें कि किस मंत्री को ज्यादा पोर्टफोलियो मिले हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम है, तीन बड़े पोर्टफोलियो उनको दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव को तीन बड़े पोर्टफोलियो दिए गए हैं और तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं जो अश्विनी वैष्णव को दिए गए हैं। बिल्कुल, तीन मंत्रियों को तीन बड़े पोर्टफोलियो दिए गए हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अनुवेश रथ आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि जैसे ही मंत्रालयों का ऐलान किया गया उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन में भी आ गए हैं सारे मंत्री। शिवराज सिंह चौहान ने भी मीटिंग लेना शुरू कर दिया है, बाकी भी अन्य मंत्री भी अपने विभागों के संपर्क में आके और एक्शन मोड में आ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है कि अगले 100 दिनों को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जी बिजनेस ने इस पूरे इलेक्शन को कवर किया है, स्टार्टिंग उस दिन से शुरुआत करें जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था कि 7 चरणों में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद रिजल्ट को भी अगर आप देखें, और साथ ही में अब तक जब तक पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हमेशा जी बिजनेस ये कहता रहा है कि जो जिस तरीके से मंत्रालय बनेंगे इन सब चीज़ों पर जी बिजनेस एकदम आगे रहा है। इस वक्त भी मैं अगर आप बताऊँ, मैं प्रहलाद जोशी जी के घर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर जो पहले कोल माइंस के साथ साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, अगर यहाँ पे बताया जाए तो जिस वक्त सारे नेता अलग अलग जगहों पे अपने चुनावी क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव की प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो सारे अपने दफ्तरों में बैठ के अगले 100 दिन का एजेंडा की तैयारी कर रहे थे। अगर आप मोदी जी की स्पीचेस को सुने, जिस तरीके से उन्होंने रैलीज में संबोधित किया लोगों को, वहाँ पे उन्होंने ये काफ़ी क्लियरली कहा है कि पिछला 10 साल जो था वो सिर्फ एक ट्रेलर था और आगे का जो 5 साल आने वाला है उसमें पूरी फिल्म अभी बाकी है। वहीं पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से अगले 100 दिन का एजेंडा जो है वो एक तरीके से बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वहाँ पे उसको उतारा गया है, उसी के साथ साथ यहाँ अगर आप इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखें तो वहाँ पे जो डिफेंस कॉरिडोर है, एनवायरनमेंट है, घर बनाना है लोगों का, ये तमाम चीज़ें जो है उसको एकोमोडेट किया गया है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने लगभग 7:15 से 7:30 के बीच में अपना शपथ लिया, प्रधानमंत्री सब जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट किया, उसी के साथ साथ आज सुबह 10 बजे वो दोबारा प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, उन्होंने पहला फाइल भी साइन कर दिया, पहला कैबिनेट की मीटिंग भी अब तक हो चुकी है और इसी के साथ साथ जो कैबिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हो चुका है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं आज सुबह से हमारी बात हो रही थी, जी किशन रेड्डी के साथ बात हो रही थी हमारी, जो नए कोल एंड माइंस के मंत्रालय के प्रमुख मंत्री होंगे, उन्होंने ये कहा जिस तरीके से मोदी जी ने उनको कहा है कि 24/7 आपको काम करना है, जिसके चलते हुए और वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से कल शपथ ली और आज सुबह वो यहाँ पे आके अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके अपना फाइल सिग्नेचर और अपना काम शुरू किया, साथ ही में अपने लोगों को जो कार्यवाहिक उनके कार्य सहायक हैं उनको संबोधित किया, तो ये एक तरीके से उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी एक तरीके से इंस्पिरेशन है कि जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं सारे मिनिस्टर्स उसी तरीके से काम करें। और जी बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से 100 दिन का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं मोदी जी का एक USP रहा है कि आगे क्या करना है वो पहले से डिसाइड करके चलते हैं। इलेक्शन जब शुरू हुए थे उसी वक्त कैबिनेट में इस चीज़ की चर्चा होनी शुरू हो गई थी, जो
सेक्रेटरीज थे उनको ये बोल दिया गया था कि अगले 100 दिन का जो एजेंडा है उसको पूरा करिए, आप एक हॉलीडे पीरियड इलेक्शंस को मत मानिए, बल्कि इस वक्त ये आपका वक्त है जहाँ पे आप अगले 100 दिन का, अगले गवर्नमेंट क्या करेगी उसकी तैयारी कर सकते हैं। भले ही मंत्री बदल जाएं, लेकिन जो आपका 100 दिन का एजेंडा है वो नहीं बदलेगा, जिसके चलते हुए अगला 100 दिन जो होगा वो मंत्रियों को काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि पहले तो उनको अपने मंत्रालयों को समझना भी होगा, उसी के साथ साथ डिलीवरी भी करनी होगी जो उनसे अपेक्षित है, जो लोगों ने अपेक्षा उनसे की है। जी ठीक है, अम्बरीश आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर क्या बातचीत चल रही है, किसका नाम सामने आ रहा है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर कोई भी चर्चा इस बात की अभी नहीं है। टीडीपी जरूर मांग कर रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस घटक में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका ये भी कहना है कि बाकी जो उसके मंत्री हैं, अगर सरकार चाहती है तो वो अपने बाकी मंत्री पद वापस कर सकती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की ये पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछली सरकारों में भी जब कभी भी ऐसी वोटिंग की बात हुई है, जब कभी भी विपक्ष या फिर पक्ष के किसी सांसद के वॉकआउट होने पर को एब्सेंट करने की भी बात हुई है, किसी भी तरीके की वोटिंग में लोकसभा का जो वोटिंग है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसे में टीडीपी चाहती है कि सरकार में भले ही उसकी भूमिका थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अगर उसके पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होगा तो थोड़ा कंट्रोल उसका अलायंस पर बना रहेगा, इसलिए वो डिमांड कर रही है। आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है, अंदर खाने इसकी चर्चा जरूर चल रही है। जो हमारे पास जानकारी उसके अनुसार 18 या 19 तारीख के आसपास संसद का सत्र शुरू हो सकता है, उसके पहले दो दिन एक प्रोटेम स्पीकर बनाकर सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद 20 तारीख को संभव है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। ऐसे में थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी पड़ेगी, अभी आधिकारिक तौर पर कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका, अनुवेश और तरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हैं प्रकाश होता साहब और हमारे साथ हैं राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल सर और प्रकाश सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। प्रकाश सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा उसी सवाल को जो मैं अभी अपने रिपोर्टर से पूछ रहा था कि मंत्रालय तो बंटने शुरू हो गए हैं और ज़्यादातर बड़े मंत्रालय हमने देखा कि बीजेपी के जो नेता हैं उनको ही मिले हैं, पहले से वो उस विभागों में, उन मंत्रालयों में थे और वो कंटिन्यू करेंगे, यानी कुछ पिछले सरकार जैसी ही तेजी शायद देखने को मिल सकती है। प्रकाश सर, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर क्या चर्चा हो रही है, क्या खबरें मिल रही हैं, क्या इस पद को लेकर खींचतान है या फिर आसानी से बात बन जाएगी? देखिए, जो कि टीडीपी के जब थी तब वो स्पीकर थे लोकसभा के, और दूसरी तरफ से लगातार इस बात की संशय है रीजनल पार्टी में कि पोचिंग हो सकता है, दल बदल होने की संभावना है, या कल अगर कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसे में जो स्पीकर होते हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप याद करिए, जब झारखंड में भी था तब भी पार्टी कहती थी कि हमारी स्पीकर होनी चाहिए, तो जहां भी कोअलिशन गवर्नमेंट होता है वहां स्पीकर बीजेपी अपने पास रखती है, लेकिन टीडीपी इस बात को समझती है, इसीलिए टीडीपी चाह रही है कि उन्हीं के पास रहे। दूसरी बात है, जिस तरह से वाईजोगी जब थे तब स्पीकर थे वही, तो इस बार भी ये लोग यही चाह रहे हैं कि उसी परंपरा का निर्वहन बरकरार रहे। दूसरी तरफ से अगर इस सारी बातों को आप देखें थोड़ा अगर दूसरे नजरियों से, कोई किसी को अगर हम नेशन कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे, तो उसके पास 3-4 चीजें बहुत एसेंशियल होता है, एक पॉपुलेशन, एक जो उनका लैंड है, ये दो चीज को अगर छोड़ दे तो उनकी अपनी फाइनेंस होनी चाहिए, अपनी डिफेंस होनी चाहिए, और इसी तरह का अगर आप बात करें तो उसका फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। ये तीनों चीज बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो बताना चाहती है उसी के एजेंडे पे राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होंगे, इसीलिए फाइनेंस को भी अपने पास, फॉरेन पॉलिसी को भी वही हैंडल करना चाहती है, और डिफेंस को भी, रक्षा को भी, तीनों चीजों को करना चाहती है। दूसरी तरफ आज जो विभागों का बंटवारे का लिस्ट आ रहा है, इससे एक बात साफ हो रहा है कि बीजेपी अपने एजेंडे से कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है। जो एजेंडा है, एजेंडे के तहत वो कल्चर भी अपने पास रखना चाहती है, वो शिक्षा को अपने पास रखना चाहते हैं। आप अगर उसको देखेंगे, रेल जिसकी विनिवेशकरण की बात भी हो रही है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वो भी अपने पास है, रेलवे की बात हो रही है, साथ में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी है, ट्राइबल भी है, ये जो विभागे हैं, और साथ में टेलीकॉम, जहां जहां
आगे चल के विनिवेश की बात होती है या बीजेपी की अपनी आर्थिक स्थिति की आर्थिक पॉलिसी की बात होती है, वो सब चीज वो अपने पास रखना चाहती है, ताकि वो एक संदेश देना चाहती है। पिछले दो जो नरेंद्र मोदी का पहला और दूसरा कार्यकाल रहा, वहां पे जो काम अधूरे रह गए वो सारी बात इस बार भी हम जारी रखेंगे, उसको पूरा करेंगे। एक संदेश देने की ये प्रयास है। एक बात है, उन्होंने कानून मंत्री जरूर बदले, कानून के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ थोड़ा आमने सामने सरकार और कोर्ट दिख रही थी, सुप्रीम कोर्ट विशेषकर, इसीलिए उन्होंने इस बार एक प्रयोग किया है, थोड़ा परिवर्तन की बात हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे बाकी जितने भी विभाग, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बरकरार रखे हैं, और उसके पीछे का मकसद यही है। लोगों में चर्चा थी कि दो बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए है, और एनडीए को लोगों ने कहा था नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंडेंस की अलायंस है करके, उसको उन्होंने खारिज करने की भरपूर कोशिश की है, ताकि सारे बड़े विभाग बड़े पोर्टफोलियो अपने पास रखे हैं। दूसरी बात अगर आप ध्यान देंगे, जिसकी बात फिर आप जो सवाल पूछे थे कि तेलुगु देशम पार्टी को लेकर क्या है, तेलुगु देशम या चंद्रबाबू नायडू को जो जानता है वो जानता है वो बहुत हार्ड बार्गेनर है, वो इतना आसानी से कोई चीज को छोड़ना नहीं चाहेंगे, और वो जानते हैं सदन में जिस तरह से वहां पे मूवमेंट होती है उसी के इर्द गिर्द सारे चीजें रहेंगे। पिछले बार महुआ मित्रा के मामला आया था, पिछले बार जो सदन में कानून पारित हो रहे थे तो विपक्ष उस वक्त सस्पेंड हो गया था और उसको लेकर भी एक बात उठी थी। तो विपक्ष में जो आज जो उस वक्त विपक्ष में थे वो आज सत्ता पक्ष में दो लोग, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें या टीडीपी की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो कोई इस तरह के इस बार रिस्क लेना नहीं चाहते और ना ही उस बदनाम को झेलना चाहेंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो लोकसभा का जो स्पीकर का है, जो अध्यक्ष का पद है, वो भी अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि एक स्पेस रहे। और दूसरी बात है, कल अगर कोई भी विवाद की स्थिति हो कहीं पर भी, अगर सरकार बनाने की, जिस तरह से ममता बनर्जी बोली है इस बार हमने क्लेम नहीं किए, इंडिया ब्लॉक ने क्लेम नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि आगे नहीं, बिल्कुल अभी क्लेम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक संकट लगातार बना ही रहेगा। राहुल देव सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अभी मंत्रालय का ऐलान होने से पहले हम देख रहे थे, खबरें थी कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय या तमाम मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, टीडीपी की तरफ से भी मांग हो ही रही थी, इधर अजीत दादा नाराज हो गए। क्या अभी आगे, क्योंकि बड़े मंत्रालय सारे बीजेपी के पास हैं, आगे क्या संकट नहीं होगा या विवाद नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? आपको लगता है कि आगे थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी मंत्रालयों को लेकर? तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपने आप किसी से कहिएगा कि थोड़ा आवाज बढ़ा दे, मुझे थोड़ी धीमी आवाज मिल रही है, मैं अपने जी मित्र को ध्यान से पूरा सुन नहीं पाया। सर राहुल देव जी को आवाज धीमी मिल रही है, कृपया बढ़ा दें। हाँ धन्यवाद। तो अब ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ समस्या, देखिए राजनीति में आती रहती है, वो कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी की अपनी सीटें काफी ज्यादा हैं, काफी बड़ी है, उसकी स्थिति मजबूत है, तो उसको उस पर एक सीमा के बाद दबाव बनाने की या उसको ब्लैकमेल करने की स्थिति में शायद ये दोनों पार्टियां सहयोगी पार्टियां नहीं रहेंगी, अगर उनकी इच्छा होगी तो। हालांकि हम जानते हैं, जैसे हमारे अभी मित्र कह रहे थे, कि चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, और वो ये दोनों ही लोग एनडीए को पहले छोड़ भी चुके हैं, पहले साथ भी रहे हैं और उन्होंने छोड़ा भी है, तो वो चीज तो बिल्कुल रहेगी। इस बार हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछली बार जब बीजेपी के पास अपने पास पूर्ण स्पष्ट बहुमत था, 303 पार्टियां थी, सीटें थी, तब उसने अपने सहयोगियों को ज्यादा मंत्री दिए थे, ज्यादा मंत्री बनाया था। इस बार जब उसकी निर्भरता है, दो बैसाखियां हैं, इस बार उसने अपने सहयोगी दलों के लिए कम मंत्रिमंडल में कम स्थान दिए हैं, ये एक थोड़ी सी विचित्र बात है। दूसरी बात कि अभी तक जो हमारे सामने मंत्रालयों का वितरण आया है, वो उससे लगता है कि मोदी जी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और थोड़ा सुरक्षित खेलना चाहते हैं,
वो कोई प्रयोग भी नहीं करना चाहते। देखिए बिल्कुल नई सरकार बनती है तो अपेक्षा आम लोगों की भी होती है, उसमें कुछ ताजगी होगी। मुझे इस नए मंत्रिमंडल में नया बहुत कम नजर आ रहा है, ताजा बहुत कम नजर आ रहा है। अधिकांश जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो उन्हीं जगहों पर आ गए हैं, उन्हीं मंत्रालयों में आ गए हैं। तो ये एक मैं कहूँगा कि सुरक्षित रहने की एक इच्छा हमें दिख रही है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा कुछ नए प्रयोग करके अपने को किसी संभावित संकट में नहीं डालना चाहते मोदी जी, इसलिए इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह का बहुत, ये आप कहेंगे बहुत डिफेंसिव स्टैंड है ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर बार परिवर्तन से, मंत्रालय बदलने से भी थोड़ी सी ताजगी आती है, व्यक्ति को भी नए काम करने को सीखने का मौका मिलता है, अपने को नए सिरे से प्रमाणित करने का, सिद्ध करने का मौका मिलता है, और मंत्रालय के काम में भी कुछ नयापन आता है, कुछ मौलिकता आती है, कुछ ताजगी आती है। ऐसा हमें लगता है कि नहीं होगा, इसको निरंतरता कह सकते हैं, आर्थिक नीतियों में निरंतरता और बड़ी नीतियों में निरंतरता बनी रहे, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ प्रयोग भी होते रहे, कुछ नयापन और ताजगी भी आती रहे। हालांकि सेफ गेम खेलने की कोशिश होती दिख रही है, लेकिन कुछ नयापन जैसा कि राहुल सर कह रहे हैं होता रहना चाहिए। प्रकाश होता सर आपके पास आएंगे और आपसे क्विकली मैं एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल सिंघवी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर, उनसे सवाल मैं लेना चाहूंगा। अनिल सर, अभी तक हम लोग कयास लगा रहे थे कि इनको ये मंत्रालय मिलेगा, उनको ये मंत्रालय मिलेगा, अभी लेकिन हमने जैसा कि देखा कि ज्यादातर जो बड़े मंत्रालय है वो बीजेपी के उन्हीं लीडर्स को दिए गए हैं जो लगातार इसको पहले से ही इन मंत्रालयों को करते आए हैं, एक अनुभव है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है सर इस पे? दीपक देखिए, इस पोर्टफोलियो एलोकेशन में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से मजबूती के साथ निर्णय लेने के लिए जाने माने जाते हैं पिछले 10 सालों में, उसकी छाप साफ नजर आती है, क्योंकि कहीं भी किसी भी लिहाज से आप पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो उन्होंने दो सिग्नल बहुत साफ तौर पर दिए हैं। पहला, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, यानी कि ज्यादातर जो बड़े मंत्रालय जिन मंत्रियों के पास पहले से है बिल्कुल उन्हीं के पास रखा गया है, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं, छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि कई लोग अंदाज लगा रहे थे कि शायद वित्त मंत्री जी बदलेंगे या कोई और दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, या रेलवे शायद सहयोगी के पास जा सकता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो सकता है कि एनडीए के सहयोगी दल मांगे, लेकिन उन सबसे हटकर पहली चीज है कि जो सारे बड़े मिनिस्टर हैं उनको सेम टू सेम वही पोर्टफोलियो दिए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री उनके कामकाज से भी खुश हैं और जो मंत्रालय की पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक बेहद साफ संकेत दिया कि पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि गठबंधन की सरकार आने के बाद पॉलिसी बदलेगी, मंत्रालय बदलेंगे, मंत्री बदलेंगे, तो वो गलत है। दूसरी बात, आमतौर पर गठबंधन सरकार में ये देखा जाता है कि सहयोगी दल कितना कितनी ज्यादा और किस तरह की मिनिस्ट्री ले पाते हैं, तो उसमें भी बेहद साफ है, सबसे बड़ा और आसान और सबसे बड़ी मांग आमतौर पर सहयोगी दलों की जो होती है, इस बार रही भी होगी शायद जेडीयू की, वो रेलवे मिनिस्ट्री की, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री जो अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं उनके पास रही है, जो ललन सिंह है उन्हें पंचायती राज और दूसरे जो उनके इंटरेस्ट के जो मंत्रालय वो दिए गए हैं। खाली एक मैं कह सकता हूँ कि अगर बड़ा मिनिस्ट्री कोई फेरबदल छोटा मोटा नजर भी आता है तो वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो एविएशन मिनिस्टर थे उनकी जगह टीडीपी को वो मंत्रालय गया है। उसके अलावा कोई एक भी ऐसा मिनिस्ट्री बदलाव नहीं है जिसको देखकर आपको लगे कि आश्चर्यकारी, ये मिनिस्ट्री इधर से उधर कहाँ चली गई। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने एग्रीकल्चर दिए जो उनके तथ्य के मुताबिक है, नड्डा साहब को भी इसी तरह से उन्होंने मिनिस्ट्री दी है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। तो मेरा ये मानना है कि ये मिनिस्ट्री एलोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि हाँ गठबंधन सरकार तो है, लेकिन मिनिस्ट्री और आगे की पॉलिसीज जो मोदी जी के पहले और दूसरे कार्यकाल में था बिल्कुल उसी के मुताबिक चलेगी। जी बिल्कुल सर, लेकिन ये जो हमने आज मार्केट में थोड़ा सा एक डाउन देखा था लास्ट में, तो अब जब मंत्रालय पूरी तरह से बढ़ चुके हैं तो एक कॉन्फिडेंस जाहिर तौर पर आ गया है, तो कल का मार्केट आप कहां देख रहे हैं इस मंत्रालय बढ़ने के बाद? देखिए दीपक, कल के बाजार की तीन चीजें सबसे अहम है, सबसे ज्यादा अहम तो ये पोर्टफोलियो एलोकेशन जो कहीं भी दूर दूर से कहीं किसी तरह का नेगेटिव फैक्टर नहीं, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये मंत्रालय का एलोकेशन जो है ये बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग सिग्नल देता है बाजार के लिए। दूसरा बड़ा सिग्नल है कि आज जो उतार चढ़ाव के बीच में आप देखेंगे कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में
एफआईज और लोकल फंड की तरफ से खरीदारी बिकवारी के आंकड़े क्या आते हैं, तीसरा फैक्टर है ग्लोबल मार्केट का क्या रुझान रहता है, क्योंकि फेड की पॉलिसी भी अब दो दिनों में आपको वो निर्णय देने वाली बुधवार देर रात अमेरिकी फेड की पॉलिसी का निर्णय आएगा। ये तीन फैक्टर है कि इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा फैक्टर पोर्टफोलियो एलोकेशन का था, चाहे उसी के लिए आपने एक घंटे में मजबूत बाजार में थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग जो आती दिखी, लोगों को शायद था कि पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा तो किस तरह से होगा, कैसा होगा, क्या होगा, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है क्यों ना थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बाजार का एक और डर, देखिए जिस तेजी से और जिस एकदम आसानी से सरकार बनी है, शपथ ली है, सपोर्ट मिला है और जिस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, मिनिस्ट्रीज बांटी गई है, मुझे लगता है कि इनिशियल सारे संकेत बाजार वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि वो चाहता है कि हाँ पहले और दूसरे कार्यकाल की तरह सरकार तीसरे कार्यकाल में भी आगे बढ़ने को तैयार है, ये संकेत एकदम साफ है। जी बिल्कुल, ये संकेत साफ है कि बाजार पूरे कॉन्फिडेंस में है और जाहिर तौर पर इसका असर कल हम देखेंगे बाजार पर। प्रकाश होता साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस बीच हमने देखा कि जैसे ही मंत्रालय एलोकेट हुए, प्रधानमंत्री एक्शन में आ गए हैं, तमाम मीटिंग शुरू हो गई अपने अपने मंत्रालय की, हमने दो बड़े ऐलान देखे कि 3 करोड़ घर का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने और इसके साथ ही किसान निधि का भी ऐलान कर दिया, 20,000 करोड़ से अधिक की रकम जारी कर दी गई है। तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन क्या दर्शाता है, क्या संकेत देता है? देखिए निश्चित रूप से अभी 3 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, उसको भी नजर रखना होगा। साथ में देखिए कल या परसों उड़ीसा में सरकार की गठन होगी, वहां पे भी प्रधानमंत्री को जाना है, वो दिखाना चाहते, एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अभी आराम की नहीं है, सरकार जैसे जीत गए वो काम पे लग गए हैं, एक संदेश देने की बात हो रही है, एक मैसेज देने की। और ये अवधारणा की खेल है, परसेप्शन का गेम होता है पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हो, और यही आरोप राहुल गांधी पे इन लोग लगाते हैं कि जब भी चुनाव है या चुनाव के बीच में वो विदेश चले जाते हैं और कई बातें कही जाती है, वो गेम ऑफ परसेप्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अपने आप को ये साबित करने की कोशिश है कि ना बीजेपी जो है गंभीर है लोगों के मुद्दों पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो पीएमओ है वो जनता के लिए पीएमओ है। अब तो ये देखिए लोग जो पीएमओ को जानता है, राहुल जी इतने वरिष्ठ हैं, वो बेहतर जानते हैं कि पीएमओ जनता के लिए है कि नहीं है और क्या जनता कितनी जुड़ी हुई है, लेकिन एक परसेप्शन जाता है कि पीएमओ अब जनता के लिए है। उसी तरह ये जो दो निर्णय लिया गया, चाहे घर की बात करें या किसानों की बात करें, किसानों की बात पे सबको लगा कि देखिए सरकार पे आते ही 17वां जो इंस्टॉलमेंट है उसको जारी कर दिया गया, और ये जैसे सुबह से खबर आई लोगों को लगा नहीं नहीं सरकार अब कैबिनेट की आई नहीं है, बैठक हुई नहीं हुई, लेकिन लोगों के लिए प्रधानमंत्री जो है वो सोचने लगे हैं। इस तरह की जो मैसेज देने की कोशिश है, ये आगे चल के भी और राज्यों में, और एक बात और भी है कि आप राहुल जी भी मेरे से सहमत होंगे और दीपक जी आप भी सहमत होंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों 24 घंटा सोचने वाले लोग हैं, जो कैसे अगले सरकार बने, अगले राज्य में बने, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां सरकार कैसे बनेगी इस चीज को लेकर है, चाहे हरियाणा में काफी उथल पुथल है, अल्पमत की सरकार ये बात उठती है तो वहां कैसे सरकार बनाए। दूसरी बात है महाराष्ट्र की जो स्थिति है, अब देखिएगा ये पहली बार अभी जो किसान नीति है उसके बाद कुछ बड़े और भी घोषणाएं हो सकती है महाराष्ट्र को लेकर, और उसके बाद बिहार की तरफ भी सरकार या बीजेपी रुख करेगी, क्योंकि उनको पता है ये जो राज्य है एक हिंदी बेल्ट पे और महाराष्ट्र भी सबसे बड़ी स्टेट है, यहां से जितने सांसद हैं उसके अलावा भी एक गेम ऑफ परसेप्शन होता है, मैसेज जाता है पूरे देश में कि देखिए ये स्टेट हमारे साथ है या नहीं है, और पिछले बार जो भी चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी कहां पे दोनों राज्य पे, नीतीश कुमार के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए थे सुशील मोदी द्वारा, आज तो नहीं रहे, लेकिन वो जो आरोप था और जो प्रेशर डाला गया था उसका परिणाम यह रहा कि नीतीश बाबू इनके साथ आ गए। वहां आप जैसे बात कर रहे थे अजीत दादा, उनका क्या होगा, और वहां जो उथल पुथल चल रहा है एनसीपी में अंदरूनी, और अचानक एकनाथ शिंदे वो भी खड़े होके वो बोलने लगे हैं कि भाई हमको भी हमारा भी मांग है और हम ज्यादा सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसका मतलब है सब रिएक्शंस आने लगे हैं, उन रिएक्शंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो जो विपक्ष है वो एकदम वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठा हुआ है, क्या चल रहा है विपक्ष के दिमाग में? देखिए जाहिर है कि कोई भी विपक्ष
पूरी स्थिति को समझकर जब तक पूरा मंत्रिमंडल न बन जाए तब तक कोई टिप्पणी करने का उससे कोई तुक नहीं होता। तो हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल अभी भी अपनी पूरी रूप में सामने हमारे से नहीं आया है और मुझे विश्वास है कि कल तक विपक्ष इस पर बोलेगा। तो विपक्ष का काम है कि समीक्षा करना, आलोचना करना, लेकिन विपक्ष के भीतर यानी इंडिया गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है ये अभी तय होगा। अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कि वो इतनी ही एकजुटता आगे भविष्य में भी दिखाएगा कि नहीं सदन के भीतर। और अभी प्रदीप जी शायद आप कह रहे थे कि संसद के बारे में, सत्र के बारे में, तो मुझे लगता है कि सत्र 18 से शुरू होगा और 20 को स्पीकर पद से चुनाव होगा। तो सदन में क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं, सदन के बारे में विपक्ष अपनी क्या नीति बनाता है, क्या उसके भीतर इस समय क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या मंथन चल रहा है, क्या मंत्रणाएं चल रही हैं, ये अभी उसको देखना होगा। अभी नई सरकार बनी है तो बनते ही तुरंत उस पर टीका टिप्पणी कर देने का कोई तुक नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई भी परिपक्व विपक्ष इसके लिए इसको ये करना चाहिए और ये अच्छा है कि अभी तक हम कोई ज्यादा हमने सुना नहीं विपक्ष इस समय वेट एंड वॉच कर रहा है, ये अच्छी बात है मैं समझता हूँ। तो ये अहम बात आपने कही कि फिलहाल तो विपक्ष वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब पूरा मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद, सारे मंत्रालय बंटने के बाद फिर विपक्ष का रिएक्शन होगा और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा का सत्र इस बार देखने योग्य होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश होता सर और बहुत शुक्रिया करेंगे आपको राहुल देव सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।